हेलो गाइस, मैं योगेंद्र शर्मा, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा, अपने यूट्यूब चैनल माई फेयर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पीछे मैंने अभी तक आपको चार टेंसेस पढ़ा चुका हूं लगातार वीडियोस के माध्यम से। अब मैं आपको पांचवा टेंस, वैसे तो टेंस तीन ही प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, लेकिन प्रकार समेत आज पाँचवा टेंस है जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत आसान, बड़े मज़े से एक बार बस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना, कोई कठिनाई नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान बताते हैं। पहचान क्या होती है इसकी, कि ये जो टेंस होता है, इसके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के लास्ट में, मींस क्रिया के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है कि इसके लास्ट में इन ये जो सेंटेंस होते हैं, इसके जो वाक्य होते हैं, उनके बाद में क्या आता है, वर्ब के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। सीधी सी बात है, दो हेल्पिंग वर्ब में याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। और वाज वर का एज ए अमार, वाज वर का यूज तो हम थर्ड क्लास से करते हुए आते हैं, तो क्या दिक्कत है यहाँ पर भी। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। आई, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, ही है, सी है, इट है, तो इनके साथ हम ये जो और सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हम उस क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। उसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर का है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है, बहुवचन का है, तो उसके साथ हम वर लगा देते हैं। और जितने भी कंटिन्यूस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। ये बात केवल रिमाइंडेबल है कि सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में कल के लिए हमेशा यस्टरडे का यूज होता है। ओके, अब हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमेशा की तरह, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया लड़के, द बॉयज। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब बॉयज, प्लूरल नंबर का हुआ, प्लूरल नंबर का हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी, वर आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर वर लगा दिया। उसके बाद में फिर वर्ब, मचा रहे थे, मचाने, शोर मचाना, शोर करना, तो शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज, मेक में आईएनजी लगा दिया, तो मेकिंग ए नॉइज, और कक्षा में, इन द क्लास, द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इसके बाद में देखिए नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, कोई सा भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट प्लेस कर दो, सीधा सीधा नेगेटिव बन गया, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पहले सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मोर जंगल में नाच रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, आफ्टर दैट वी पुट हेल्पिंग वर्ब, द पिकॉक, पिकॉक कम्स अंडर सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या आया, वाज, भाई पिकॉक सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए हमने वाज लगाया। उसके बाद में फिर, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, हमने बताया था वर्ब के अंत में आता है, हाँ वर्ब अंत में आता है, तो नाच रहा था, इसका मतलब डांसिंग, डांस उसमें आई एन जी, डांसिंग। और दोस्तों एक बात आपको याद होगी, मैंने बताया था कि डी ए एन सी ई आर आई इसके बाद में लेटर, तो जब हम इसमें आई एन जी लगाते हैं तो उसमें ई को हटा देते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि उसमें ई को हटा देते हैं, तो इसलिए इसमें से ई हट गई, डांसिंग इन द फॉरेस्ट, द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। वी मूव टूवर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। और इंटरोगेटिव हमेशा दो प्रकार के होते हैं, पिछली वीडियोज में आपको बता चुका हूं मैं, पहला फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सा, जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, आफ्टर दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन, फिर क्या क्या अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर रखी जाती है वो, तो क्या होता है, वह सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज। उसके बाद में फिर रही थी, इसका मतलब जेंडर, जेंडर कौन सा है, फीमेलिन जेंडर है, तो सी आएगा। उसके बाद में फिर
सीखने की अंग्रेजी, लर्न उसमें एनजी लगा दिया, लर्निंग कंप्यूटर, वॉच सी लर्निंग कंप्यूटर। उसके बाद में सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं जो कि हिंदी वाक्य के बीच में होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, तुम इतिहास किसे पढ़ा रहे थे, तो क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे, होम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है, तो होम वर यू। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है, उसमें आईएनजी लगा दिया, होम वर यू टीचिंग हिस्ट्री, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। इसके बाद में दोस्तों कुछ नोटेबल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमें किसी सब्जेक्ट की स्थिति बतानी होती है कि वहाँ पर बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, पढ़ा हुआ था। पढ़े होने में दो चीज़ होती हैं, एक तो एनिमेट होती है, एक इनएनिमेट होती है, हाँ, जैसे मैं वहाँ पर पढ़ा हुआ था, लेटा हुआ था, इस तरह से। तो इनमें क्या करते हैं कि वाज सिटिंग, वाज स्टैंडिंग, वाज लाइंग, इस तरह से। जैसे कि पर्स मैदान में पड़ा हुआ था, द पर्स वाज लाइंग इन द फील्ड, पड़ा हुआ था, लाइंग कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये ऐसा पॉइंट है जो हमारा समझने का होता है ज़्यादा, जिसको लेकर के हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हुआ था, हुई थी, आ रही है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस क्यों हो रहा है। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए इसका हम यूज करते हैं, समझने की बात है इसको। दूसरा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट कंटिन्यूअस के बिना किया जा सकता है, बिना पास्ट कंटिन्यूअस के ही उनको ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिए हमने, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, तो ये देखने में पूरी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस लग रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसका अनुवाद हो सकता है, लेकिन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि आई वॉज इन ए साउंड स्लीप। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, उसे कल बुखार आ रहा था, हाँ, तो इस पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं इसको हम, लेकिन हम दूसरे सिंपल भाव में भी इसको बना सकते हैं, कैसे, ही हैड फीवर यस्टरडे। ओके, तो दोस्तों मैंने तुमको ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ और अन्य चीज़ें पढ़नी हैं, कुछ अन्य स्पेशल पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू।